भटक रहे हैं तन्हाइयों में तेरी यादों के साए साए, ओए कंजूस पट्टी कब पिला रहे हो फिर एक कप चाय? हाय हाय, इतनी सारी लड़कियां और बेचारा अकेला पट्टी किस किस को संभाले। चाय से याद आया कि मेरी सुबह की चाय नहीं आई। डीडी, ओए डीडी, कहां मर गया कमबख्त? रेशमा कहां मर गई? तुम लोग अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लेकर आए? रेशमा जी, बीबी जी, नाश्ता कहाँ है? वो डीडी अभी तक नाश्ता मांग के वापस ही नहीं आया। मांगकर? हाँ जी, जब साहब जी कोई खर्चा ही नहीं करना चाहेंगे तो हमें मांगकर ही नाश्ता करना पड़ेगा ना। ज्यादा बातें नहीं कर, जैसे डीडी आए ना मेरे कमरे में नाश्ता ला कर दूंगी। जाओ ना, कहाँ रह गया इतनी भूख में? ओ डीडी, पता नहीं कहाँ मर गया ये। रेशमा जी। बेगम साहिबा, क्या बात है? ऐसे लग रहा है जैसे छुरी चला दी आपके गले पे किसी ने। तू तो चाहती है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि नंद गली के गंध की तू बहुत बड़ी चमची है। ज्यादा मेरा वक्त ना बर्बाद करें, काम बताएं। काम क्या है आपको? ये बता, डीडी कहाँ है? पता नहीं जी, काफी देर से नाश्ता लेने गया हुआ है, अभी तक वापस ही नहीं आया। जा जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आ, मलाई मार के, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। बेगम साहिबा, आपके लिए ना चारा लेकर आ जाती हूँ, आपकी ना कमजोरी अच्छे से दूर हो जाएगी। बकरी तू लग रही है और चारा मेरे लिए लाएगी? बड़ी जुबान खुलती जा रही है तेरी। जा जल्दी से मेरे लिए गर्म गर्म दूध लेकर आ। अरे बेगम साहिबा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, डीडी आएगा तभी आपको नाश्ता मिलेगा ना। नाश्ता मिलेगा ना? जा जाके अपना काम कर। पता नहीं कितने पे पूड़िया तलदा, कितने पे चने बनांदा पिया, कदू सानू खाना मिलेगा? इना नौकरां दी आस्ते ते असी मारी जाना। ओए डीडी, हद हो गई है। इतने से काम के लिए जाता है और जाके पता नहीं कहां मर जाता है, हड हराम कहीं का। ओए डीडी जी। साहब जी। आओ प्यारी रेशमा, मैं तुम्हें ही पुकार रहा था। मैं किसी को भी पुकारूं, समझो कि मैं तुम्हें ही पुकार रहा हूं। साहब जी, अभी तक तो डीडी घर ही नहीं आया, पता नहीं कब से नाश्ता लेने गया हुआ है। और ये तो मुझे भी पता, वो नाश्ता लेने गया, पूरा 1000 का नोट मुझसे लेके गया था। रेशमा, प्यारी रेशमा, मुझे लगता है कि वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। मुझे इस बंदे की नीयत पर पहले ही शक था। चल अच्छा ही हुआ, खस कम जहां पाक। जी रेशमा, घबरा ना, ट्रैफिक जैम होती है ना आजकल, मेरा हाल रश में फंस गया होगा। आज ऐसी ट्रैफिक बहाल होगी, आ जाएगा कोई, ऐसी क्या जल्दी है। साहब जी, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। और फिक्र तुम्हें नहीं, फिक्र तो मुझे होनी चाहिए। अभी तो तुम्हें बताया मैंने कि मुझसे पूरा 1000 का नोट लेके गया। पता नहीं मेरा 1000 रुपया किस हाल में होगा। साहब जी, आपको 1000 रुपए की पड़ी हुई है, उधर मेरा डीडी पता नहीं 2 घंटे से गायब है, मुझे तो इतनी फिक्र खाई जा रही है। चलिए पागले, ये डीडी तुमसे दूर नहीं गया, समझो गुर्बत तुम्हें छोड़कर दूर भाग गई है। अब इस घर में तुम पट्टी की रानी बनकर राज करोगी, ऐश करोगी पूरी दुनिया में। रेशमा इधर आओ। रेशमा कहाँ चली गई? लगता है शर्मा कर भाग गई। हालांकि अब ये रिवाज नहीं रहा शर्माने का, लेकिन फिर भी मशरकी। अरे कौन है? हेलो, पट्टी स्पीकिंग। क्या डीडी को अगवा कर लिया गया है, वो भी तावान के लिए? कितना तावान? 50 लाख? भाई आना कहाँ होगा? नहीं नहीं, तावान देने नहीं, लाश लेने। हाँ? नहीं भाई नहीं, तुम उसे मारी दो तो बेहतर है। अल्लाह हाफिज। वाह पट्टी, तो इस वक्त तो तुमने कुछ और ही मांगा होता। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। हेलो, 30 लाख? और भाई ये तो 30 रुपए में भी महंगा है। नहीं नहीं नहीं, आप बस खत्म करो किस्सा। अच्छा सुनो, हमें क्या पता कि तुमने उसे अगवा किया भी है या नहीं। निशानी के तौर पर उसकी गर्दन उतार के भेजो और परा दफा कराओ गर्दन को भी, बस लाश ही भेज दो। हाँ बस ठीक है, लाश भेजो, लाश। और नहीं नहीं, एक पैसा नहीं मिलना। अल्लाह हाफिज। ले, बड़ी कस्तूरी अगवा कर ली जिसके लिए हम पैसे देते फिरे।
वाह पट्टी वाह, जिस काम को करने के तुम ख्वाब देखा करते थे आज इन अजीम अगवाकारों ने वो काम मुफ्त कर दिया। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। हाय बीबी जी, बेगम साहिबा, मेरा डीडी पता नहीं कहाँ रह गया, ऊपर से उसका फोन भी बंद जा रहा है। ओहो रेशमा, तो फिक्र मत कर, जल्दी डीडी आएगा और हम सबको नाश्ता बना कर देगा। बीबी जी, आपको नाश्ते की पड़ी है? ये तो है ही बेमुरव्वत। रेशमा तो फिक्र ना कर, डीडी जल्द घर वापस आ जाएगा। बेगम साहिबा, आप ना साहब जी से बोले ना कि पुलिस में जाके रिपोर्ट तो कराएं। भाईजान का बस चलने तो भाभी को थाने में जमा करा कर आ जाए। उसूलन तो तुझे जमा कराना चाहिए ताकि कोई तुझे सफाई मिल जाए और वहीं से तू दफा हो जाए। इससे अच्छी और क्या बात है, कम से कम जिंदगी भर सलूट तो मारता रहेगा। सलूट तो वो तुझे मारेगा, मगर तेरी हरकतों का उसको पता चल गया ना, तुझे गोली मारेगा। ओफो, आप लोगों को अपने झगड़े की पड़ी हुई है, वहाँ डीडी बेचारा मेरा पता नहीं किस हाल में होगा। देख रेशमा, खाली पेट जो ना सिर्फ इंसान लड़ ही सकता है, मसले का हल नहीं निकाल सकता। तुझे तो पता है कि मेरी कमजोरी से क्या हालत हो रही है, ऊपर से ये गली का गंद अपनी फजूल बातों से मेरी ब्यूटी को मजीद खराब कर रही है। भाभी अब ब्यूटी का लफ्ज लगा के ब्यूटी को खराब मत किया करे। मेरी कमजोरी का फायदा ना उठा, एक सुन मार के ना तेरे दंत बाहर काट के रख देने ने मैं। मैंने तेरे से चूड़ियां पहनी हुई है। अभी तेरे नाप की चूड़ियां बनी कहाँ, इतनी इतनी बड़ी तो कलाई है तेरी। जैसे आपके गर्दन की साइज की रस्सी नहीं बनी, वरना मेरे भाई तो कब का आपको ताजी रात हैवान दफा 420 के तहत फांसी दे चुके होते। ओहो खुदा के लिए अपनी लड़ाइयां बंद करें और मेरे डीडी के बारे में कुछ सोचें। ओ माय गॉड रेशमा, मैं तुम्हारी डीडी के बारे में क्यों सोचूंगी। मैं भी माजरत खा हूँ रेशमा, जब से पट्टी साहब मेरी जिंदगी में आए मैं किसी के बारे में नहीं सोचती। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरा मतलब है डीडी का पता लगाए, अगर डीडी का पता ना लगा तो मैं भी काम नहीं करूंगी। या अल्लाह ये खुशखबरी कब आएगी। मैं तो कहता हूँ लाशा ही आए लाशा, कफन में बैठा हुआ। हेलो भाईजान, मैं यहाँ लाश का इंतजार कर रहा हूँ, आपने बोलियां लगानी शुरू कर दी। 30 लाख, और मैं तो 3 रुपए ना खर्च करूं उस पे। अब भाईजान उसको मारे, झगड़ा मुकाए, मार दोगे ना? वो मैं आपसे माहौल थोड़ा कर रहा हूं भाईजान, मारे और लाश भिजवाए मुझे, बल्कि लाश भी ना भिजवाए, मैं तो कहता हूं उसको वहीं लाश को जला दें। हाँ बस ओके, हाथ हो गई यार, तो अजाब ही पड़ गया। लो जी हद मुक गई है, लोग नेकी करने में भी इतनी देर लगाते हैं। साहब जी क्या हुआ रेशमा, डीडी का कुछ पता चला? नहीं साहब जी, आप भी कुछ करें ना। मैं तो सुबह से सोच सोच के हलकान हो गया हूँ रेशमा, सदमे की वजह से ना कुछ खाया जा रहा है ना कुछ पिया जा रहा है। रेशमा अब देखो, खाली पेट होने की वजह से ना तेजाबियत से डकारे भी आने लगी, तुम बैठो ना। जी साहब जी। मैं गुनाहगार कर रही हो मुझे? तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल में है प्यारी रेशमा, सोफे पर बैठो, अल्लाह करे वो चैनल मिल जाए जो तुम्हें दिखाना चाहता था, मेरा ख्याल है वो अब नहीं आता। हाँ। साहब जी खुदा का वास्ता, आप डीडी की पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराते? क्या मतलब, उस भेड़िये ने क्या किया तुम्हारे साथ जो मैं पुलिस में रिपोर्ट कराऊं? मेरा मतलब है उसकी गुम हो जाने की रिपोर्ट करवाए ना। वो कौन सा कोई खजाना है जो गुम होने की रिपोर्ट लिखवाऊं? साहब जी मेरा तो खजाना डीडी ही तो है। बस भाई रेशमा, फिर ये समझो कि तुम्हारा खजाना तो लुट गया, अब तुम अपने इस खाली खजाने में ना नए नए जवाहरात और हीरे लगाओ, मेरे जैसा हीरा। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब जी, माना कि आपकी किस्मत फटीचर है पर बातें तो अच्छी कर लिया करें। शुक्र है तुमने खाली फटीचर कहा है, अगर तुम साथ रेलू कट्टा भी कह देती ना तो मैंने बड़ा बुरा मनाना था। तो फिर आप ही बताएं साहब जी हम क्या करें। ले वे रेशमा, मुझे तो लगता है डीडी को कोई लड़की मिल गई है जिसके साथ वो चला गया, और वो लड़की यकीनन देखने में तुमसे ज्यादा खूबसूरत होगी, बल्कि मालदार भी होगी, मालदार। नहीं नहीं साहब जी, मेरा डीडी ऐसा नहीं है। प्यारी रेशमा, मेरी भोली रेशमा, लालच और हवस इंसान को अंधा कर देता है, उसको क्या से क्या बना देता है। सोचो रेशमा, इस पे सोचो। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। भाई ये भूख हड़ताल तो हमने सुना था।
ये कुक हड़ताल भी शुरू हो गई, ये क्या चीज है भाईजान? खुदा के वास्ते डीडी का पता लगाए, वरना वरना हम किसी काम के नहीं। यही कहना चाहती हो ना तुम? बस भाई कुछ भी हो, अब अभी बाजार से जाके कुछ ले आए ना। एक तो वो कमबख्त पूरा 1000 रुपया मुझसे लेके भाग गया, ऊपर से तुम लोग मेरा और खर्चा करवाना चाहती हो। पट्टी साहब, इससे पहले कि मैं हक मेहर के पैसे मांग लूं, आप कुछ खाने के लिए ले आए। क्या लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत मुबारक है? ओ, मैं पैसे लेके जाने वाली नहीं हूँ, मैं अपने हक मेहर का हक इस्तेमाल करते हुए कभी भी मुतालबा कर सकती हूँ। कितना हक मेहर है भाई तुम्हारा? 10 लाख सिक्का है राजुल वक्त। 10 लाख है? मेरा ख्याल है मैं बाजार से कुछ खाने को ले ही आऊं तो बेहतर रहेगा। कम खर्च बाला नशीन, पैसे भी कम लगे। हटना जरा। अरे भाभी आज तो मैंने लड़ने की भी हिम्मत नहीं है भूख के मारे। इसके बावजूद दिल चाह रहा मुँह नोच लूं। ओफो। हुए 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 हुए। तो ऐसा ना हो कि मैं घर से बाहर जाऊं और किडनैपर का फोन कोई और उठा ले और फिर लेने के देने पड़ जाए। नहीं नहीं। क्या देख रही है? ओहो, अंडा बनाना आता नहीं है और देख रही है खाने पकाने के प्रोग्राम्स। जारा तुम मेरे जज्बात से मत खेलो, एक भूखे की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। मैं तो खाना देखकर अपने आप को बहला रही हूँ। दिल या अपना पेट? भूख ने इतना कमजोर कर दिया कि पेट तो रहा ही नहीं, बस कमर ही बची है। क्या हो रहा है भाई? आप खाना लेके आ भी गए? तुम लोगों ने खा भी लिया और मुझे पूछा तक नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर से खा आता हूँ, तवे पे चांपे बनवा के खाऊंगा गुर्दों के साथ। भाईजान मजाक मत करें ना, सही बताएं वापस क्यों आए? मैंने एक जरूरी कॉल करनी है, उसके बाद मैं जाके खा के आता हूँ। तुम लोगों के लिए भी कोई ना कोई चीज ले आऊंगा छोटी मोटी। हुण तो खा ले चंगी तरह ना। हेलो मलक साहब। स्क्रिप्ट आ गया कंप्लीट? अच्छा, कब जा रहे हैं शूट पे? ठीक है ठीक है, बता दें आप मुझे पहले बता दीजिएगा, क्योंकि बाल बाल मेरा शूटिंगों में जकड़ा हुआ है। वो ना हो कि डेटे फिर क्लैश कर जाए, मैच ना हो। हैं? अच्छा, मेरा 2 दिन का है। चलो वो कर लेंगे, बात कर लेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज। प्रोड्यूसर पीछे लगे रहते हैं हर वक्त। मैं जा रहा हूँ खाना खा। हमारे लिए ले आना। हाँ। बेड़ा गर्क। अगर घर का नंबर ना मिलने पर अगवा करने वाले ने रेशमा के फोन पे फोन कर लिया तो फिर क्या होगा? खैर इसका भी हल है मेरे पास। ये क्या भाई, लगता है किसी मदरसे के किचन में आ गया हूँ। साहब जी, वो मेरे डीडी का कुछ पता चला? प्यारी रेशमा, मैं तो जी जान से लगा हुआ हूँ कि उसका सुराग मिल जाए, मगर तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा पति जो है ना, मतलब कि तुम्हारे पति साहब जो है ना, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। साहब जी, मेरा डीडी वापस तो आ जाएगा ना? ये बार बार तुम मेरा डीडी क्यों बोल रही हो? कहीं तुम लोगों ने खुफिया तरीके से शादी तो नहीं कर ली? अरे साहब जी कैसी बातें कर रहे हैं, शादी कोई ऐसे होती है, मेरी और डीडी की शादी तो धूमधाम से होगी ना। और जब कोई रिश्ता ही नहीं बनाया तो फिर बार बार मेरा डीडी समझ नहीं आई मुझे क्या। अच्छा खैर, ओह याद आया। जरा ये अपना मोबाइल मुझे देना। मोबाइल क्यों साहब जी? वो इसलिए कि मेरा जो मोबाइल है वो चार्जिंग पे लगा हुआ है, तो वो डीडी के सिलसिले में अगर किसी से राबता करना पड़ा या कोई बात करनी पड़ी तो फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ जी, हाँ, ठीक साहब। ठीक है, मैं आता हूँ। या अल्लाह मेरा डीडी मिल जाए। आखा वाह पट्टी वाह, और तेरे जैसा अकलमंद और होशियार आदमी सदियों में पैदा होता है। वाह पट्टी वाह, शाबाश। डीडी, ओ डीडी, डीडी, ओ डीडी।
जी, क्या आपको डीडी पतीलों में और बर्तनों में मिलेगा? भूख से मेरा बुरा हाल है, पतीले को मैं देखती हूँ तो मुझे डीडी याद आता है। जा परा। रेशमा, रेशमा, ये तुझे क्या हुआ? इंडियन फिल्म की हीरोइनों से पीटीवी की न्यूज कास्टर बन के क्यों बैठी है भाई? बीबी जी आप मेरा मजाक ना उड़ाएं, डीडी के लिए दुआएं मांग रही हूँ मैं। हाँ भाई, डीडी के लिए तो हम सभी परेशान है, पता नहीं कहाँ मर गया है। उफ अल्लाह, एक तो हसीन खूबसूरत हो ना, ऊपर से सिंगल हो ना, मुसीबत ही बन जाता है। पता नहीं कौन है, बार बार फोन किए जा रहा है। किसकी कॉल है बीबी जी? मुझे क्या पता कौन है, पिछले 10 मिनट में 20 फोन कर चुका है। एक काम कर, तू बात करके पता करना कौन है। ना बीबी जी ना, मैं नहीं उठा रही। आप खुद क्यों नहीं उठा रही? देखो मैं जितने स्टाइल से बात करूँगी वो मेरी बातों से इम्प्रेस हो जाएगा, तू जरा पेंडू स्टाइल में बात करेगी तो तुझे मुंह नहीं लगाएगा। ये ले बात कर। हेलो दीदी? हाँ नहीं, मैं बेगम साहबा नहीं, मैं रेशमा बात कर रही हूँ। आप कौन? मेरा फोन? मेरा फोन तो जी साहब जी लेकर गए हुए हैं। घर का फोन? हेलो, कौन बोल रहा है? क्या दीदी को अगवा कर लिया? 30 लाख? 30 लाख? रेशमा रेशमा, फोन ना गिरा देना, क्या हुआ बता तो सही। बीबी जी, दीदी को अगवा कर लिया और 30 लाख में मांग रहे हैं। क्या दीदी? मेरे दीदी, या अल्लाह, या अल्लाह। माफ करना बहनों, ऐसा लगता है कि मैं किसी और के घर में आ गया हूँ। जैसे भाईजान, अच्छा हुआ आप आ गए, आपको एक बात बतानी है। अब ये ना कह देना कि वो दर्स देने वाली आई थी और हम ईमान ले आए। नहीं, नहीं भाईजान, आपको पता है डीडीओ किसी ने अगवा कर लिया है। और बेड़ा गर्क हो गया मनसूबे का। कौन से मनसूबे का भट्टी साहब? वो मैंने ना डीडी को ना अमीर कबीर बनाने के ना 5-10 साल मनसूबे बनाए हुए थे, पहले ही खूह में जा पड़ा। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? रेशमा तुम बताओ ना। साहब जी। बस बस बस, रोटी बहुत बुरी लगती है भाई। रोना नहीं रेशमा, रोना नहीं, इधर आओ। पट्टी साहब, किसी के गम का नजायज फायदा नहीं चुकना चाहिए। पागल जी ना वे, मैं तो उसको चुप करा रहा था, सर पे प्यार दे के उसको खामोश कराना था हमेशा के लिए। चल रेशमा बता। आप जी, खुदा के वास्ते मेरी दीदी को घर ले आए। भाई जान, आप ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा पट्टी फिल्मी हीरो की तरह जाके ना दीदी को छुड़वा के ले आएगा। और ये जो फिल्मी हीरो होते हैं ना, ये कंगले होते हैं, जेब में कुछ नहीं होता। 30 लाख रुपए की डिमांड है, वो मैं कहाँ से लाऊंगा? साहब जी, खुदा के वास्ते आप वो अगवा करने वालों से बात तो करके देखें। हाँ, बात तो खैर करनी ही पड़ेगी। भाईजान क्यों ना पुलिस से मदद ले? नहीं बीबी जी नहीं, उन्होंने ना धमकी दी है कि अगर पुलिस को बीच में डाला ना तो वो लोग डीडी को हैं। डीडी को फिर तो पुलिस से बात करनी ही पड़ेगी। एक मिनट, कहाँ गया था ना? हेलो एसएचओ साहब, मैं पट्टी अर्ज कर रहा हूँ। केड़ा पट्टी? अच्छा माफ करना, शायद आप पहचान नहीं रहे, आप ड्रामे कम देखते हैं। खैर मकसद की बात करते हैं, हमारा एक मुलाजिम है जी डीडी, वो अगवा हो गया, किसी ने अगवा कर लिया उसको जी, और डिमांड रखी है 30 लाख रुपए। क्या आप 20 लाख में सौदा तय करा देंगे? नहीं एसएचओ साहब नहीं, इतना डिस्काउंट तो मैं डायरेक्ट बात करके भी ले लूंगा जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। लो भाई, ये पुलिस वाले भी कोई जगह छोड़ते नहीं है, वो कह रहा 20 में कराऊंगा और उनको 10 ही देने थे आगे। ओ पाई के किडनैपर है, वो थोड़ा सा डिस्काउंट और दे दो यार, वरना हम किसी और से अगवा करवा लेंगे। हाँ और तुम्हें तो पता, मैं डीडी की लाश देखना चाहता हूँ, अब जिंदा डीडी देखना पड़ेगा। 30 लाख मांग रहे हो तुम, मैं तो उस पर 30 पैसे ना लगाऊं। नहीं नहीं, मेरी एसएचओ साहब से बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि 20 लाख में मामला निपटा दूंगा। क्या मतलब 15 लाख कमीशन? ओए होए 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 होए, किडनैपर भाई ये कमीशन तो निकालो 15 लाख बीच में से,
हम दोनों डायरेक्ट हो जाते हैं और सौदा कर लेते हैं। हाँ नहीं 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 नहीं, 5 लाख, 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, बस बस नहीं नहीं नहीं, अब बस तय हो गया, तय 5 लाख बस बहुत है। ठीक है तो फिर मैं रकम लेके कहाँ आऊँ? अच्छा कहाँ भिजवा दूँ फिर? ठीक है ठीक है, ओके ओके। वाह भाई वाह, ऐसे मौके रोज रोज थोड़े मिलते हैं। चलो भाई ये खुशखबरी अंदर वालों को सुनाकर उनको भी खुश कर दो। चल पट्टी चल। कहाँ रह गया ये डीडी का बच्चा? अब तो मैंने इतनी रकमें भी खर्च कर दी हैं। एक बार ये आ जाए, एक बार ये वापस आ जाए, अपना गुलाम बना के रखूंगा इसको मैं। साहब जी, साहब जी, डीडी कब तक आएगा? मैं नजूमी हूँ, मुझे क्या पता कब आएगा। वैसे रेशमा, मैंने जो कुछ भी किया ना, तुम्हारी खुशी के लिए किया है। तुम तो जानती हो कि तुम्हारा पति, मतलब ये कि तुम्हारे पति साहब तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। साहब जी, आपने पैसे तो भिजवा दिए थे ना? 30 लाख रुपए में तय हुआ था, 1-1 रुपया मैंने भिजवा दिया, और सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम इतनी ना शुक्री हो कि दूर से खड़ी होकर शुक्रिया अदा कर रही हो। मैं तुम्हें बताता हूँ शुक्रिया कैसे अदा किया जाता है। कहा जाता है शुक्रिया शुक्रिया। डीडी आ गया, 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 डीडी आ गया। पट्टी साहब, आपने डीडी की रिहाई के लिए 30 लाख रुपए देकर साबित कर दिया कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। ओए, मैंने तो पैसे देकर साबित कर ही दिया है कि अच्छा इंसान हूँ मैं, पर ये जो डीडी है ना खबीस, इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब सी है। वो कैसे? वो ऐसे कि वो मासूम बच्ची अभी ठीक तरीके से मेरा शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकी थी कि वो ऊपर से ही आ गया। साहब जी, वो ना कोई बाहरी खत देकर गया और उसने कहा है कि डीडी साहब ने ये लिफाफा भिजवाया। इसका मतलब ये हुआ कि टांगा आ गया कचहरियों खाली ते दुश्मनानु कैद बोल गई। लिखा क्या है? दिखाए ना इधर, सब आप ही कर लेंगे, मैं ना करूँ कुछ, मैं पढ़ती हूँ खत। लिखा है, प्यारे भट्टी साहब, आपने 5 लाख रुपए इन अगवाकारों को दिए हैं, इसका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? भट्टी साहब, आप तो कह रहे थे 30 लाख रुपए। वो 30 ही लिखा होगा, जरा अच्छी तरह देखो, 30 ही लिखा है। नहीं भाईजान, 5 लिखा है। मैं सब समझ रही हूँ, तू आगे पढ़। इन अगवाकारों को जब मेरी कहानी मालूम चली तो उन्होंने मुझे यहीं अपने पास नौकरी दे दी है, और साथ में आपकी भेजी हुई रकम में से 1 साल का एडवांस भी। अब मैं इन्हीं का नौकर हूँ, इसलिए अल्लाह हाफिज। नोट, रेशमा को अपनी बेटियों की तरह रुखसत करके गांव भिजवा दे, हम वहीं धूमधाम से शादी कर लेंगे। क्या जी? भट्टी और डीडी।